हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो तो मैं नहीं डाल पाया हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। आज मॉर्निंग में मुझे अच्छा लग रहा था, जब मैंने आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल शायरी शेयर करी थी उस टाइम तक ठीक लग रहा था, बट थोड़ी देर के बाद ही मुझे फिर से फीवर हो गया और फिर थोड़ा सा इवनिंग में ठीक लगना लगा था। मुझे लगा शायद मैं वीडियो बना लूंगा, बट फिर वही बात हुई, ज़्यादा इतनी हिम्मत थी नहीं और मुझे लगा अगर मैंने स्ट्रेच करा अपने आप को तो शायद हो सकता है कि और ज़्यादा दिन मेरे को लग जाएंगे रिकवरी में। फिर मुझे लगा आज रेस्ट ही करते हैं। तो खैर ठीक है, आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी रात को मैंने वीडियो क्यों बनाया और मेरे से शायद बैठा भी नहीं जा रहा ढंग से और आंखों में भी बहुत दर्द है ना, मैं शायद आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से आप लोगों से। बनाने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि आज मैं एक बहुत फेमस चैनल पे गया यूट्यूब पे, जैसे खाली बैठा था भाई। मेरी ऐसी आदत तो है नहीं कि मूवीज चला ली, वेब सीरीज देख ली, वो सब तो मेरी आदत है ही नहीं शुरू से ही। अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे, तो यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था और करते करते एक बड़े फेमस चैनल पे मैं चला गया। नाम नहीं लूंगा मैं, कंप्यूटर साइंस का ही है। और एक प्लेलिस्ट पे मैंने कमेंट देखा, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ था, लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक्स किए हुए थे। लिखा हुआ था उस कमेंट में, भाई लोगों 16 आवर्स की प्लेलिस्ट है ये। बहुत खुश बच्चे की, आहा 16 घंटे में हम सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। और उसके नीचे कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आ रखे कि 2x पे देखोगे तो 8 घंटे में हो जाएगी, तो कह रहे 4x पे देखोगे तो 4 घंटे में हो जाएगी, तो कह रहे समझ तो आना चाहिए इतनी स्पीड पे देखें एंड सो ऑन। मतलब जबरदस्ती के ऐसे कमेंट्स थे। तो मेन बात क्या है भाई, एक्चुअल कंटेंट 16 घंटे का है। अब 16 आवर्स में कौन सा सब्जेक्ट आप सोचते हो कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट लगता है। चलो मैं ये सस्पेंस भी तोड़ देता हूँ, मेरे को था कि मैं प्लेलिस्ट का नाम नहीं लूंगा लेकिन अब मेरे को लेना पड़ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट है। नाउ कैन यू इमेजिन 16 आवर्स में कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहा है, भूल के भी ऐसी प्लेलिस्ट को फॉलो मत कर लेना भाई। अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, अल्टीमेटली पता है नुकसान किसका होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा होगा, तो फॉर श्योर है। क्यों होगा पता है, आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार इधर उधर से पढ़ लेंगे फटाफट, थोड़े बेसिक तो क्लियर होंगे, कुछ तो करेंगे। जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एक लाइन बोलूंगा बस, भयंकर डिप्रेशन आएगा, भयंकर। और उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी तुम लोगों को हफ्ते से 10 दिन लग जाएंगे कि मेरे साथ हो क्या गया, ये मेरे साथ हो क्या गया, मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिल रहा, मेरे से तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। यही सोचते रहोगे सारा दिन बैठे बैठे, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ ली, पूरे नोट्स बना लिए, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरे से तो हिल ही नहीं रहे, गेट एग्जाम तो बहुत टफ है एंड सो ऑन। इतनी रात को वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एम यही था, ऐसे लोगों से एटलीस्ट बिल्कुल दूरी बना लो भाई, अगर आप गेट के लिए सीरियस हैं तो। वैसे तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी फॉलो करोगे ना, अल्टीमेटली नुकसान आप लोगों का ही है, क्योंकि कंक्रीट और प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली। थोड़ा सा सोच के देखो, 16 आवर्स में, कैन यू इमेजिन। मेरे को तो सोच सोच के लगता है कि यार पता नहीं, मतलब पता है अब इसमें किस किसका कसूर है पता है, क्या बोलूं मैं रियली में। मैं मतलब इस टाइम इतना कमेंट करने के उसमें नहीं हूं, मैं ज्यादा इतना बोलना नहीं चाहता, नहीं तो फिर कॉन्ट्रोवर्सीज आएंगी एंड सो मैं सब चीजों में फंसना नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का भला करना चाहता हूँ, और जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, एटलीस्ट अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो जो, बस एक सिंपल हिंट दे देता हूँ, दो दो तीन तीन मिनट, दो दो तीन तीन मिनट के वीडियोस वाली प्लेलिस्ट को देखना बंद कर दो, तब आप गेट एग्जाम में कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। एक सिंपल स्पष्ट बात है। और ये सब बनाई इसीलिए जा रही है क्योंकि कंज्यूम हो रही है, समझ रहे हो, कंज्यूमर है तो प्रोड्यूसर है ना भाई। कंज्यूमर कौन है, स्टूडेंट्स हैं। कौन से स्टूडेंट्स हैं, कड़वी बात बोलूं लेकिन सच्ची बोलूंगा, टीयर 3 कॉलेजेस के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ये मेजोरिटी उन्हीं स्टूडेंट्स की है जिनको पढ़ना वढ़ना नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर का एग्जाम पास करना है।
और ये एग्जाम पास करने के लिए वो सब ये देखते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह देखते हैं, उनके पास भी हो जाते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। बस सिंपल बात बोल तो जुगाड़। हमारे को आज भी याद है, हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, हमारे टाइम पे कुंजी आती थी, कुंजी ऐसी पतली पतली इतनी छोटी छोटी किताबें होती थी। एक एनसीईआरटी की बुक अगर इतनी मोटी है तो कुंजी इतनी बिल्कुल पतली सी होती थी, बिल्कुल मतलब 20-25 पेजेस की, या ज्यादा से ज्यादा 50 पेजेस की, 50 भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स होते थे, काफी सारे बच्चे ना उसको रट के चले जाते थे। और हमारी टीचर्स जो होती थी ना वो बहुत अच्छी होती थी हमारे स्कूल में। खैर मैं मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल से पढ़ा हूँ, जो हमारे रोहतक का स्कूल था सबसे टॉप मोस्ट था जिस टाइम पे हम पढ़ा करते थे वहां पे। तो आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी एटलीस्ट आदत बिगाड़ी नहीं हमारे टीचर्स ने। जो भी बच्चा वो कुंजी से पढ़ के जाता था ना, उस पे बिल्कुल काटा लगा के 0 नंबर देके भेजती थी मैडम, ये कुंजी का आंसर है, सीधा लिख देते थे कुंजी का आंसर है। तो उनको तो रटे होते थे, इतने सालों से टीचर्स पढ़ा रहे होते थे। तो जो भी बच्चा ये काम करता था उसको 0 मिलते थे। और अल्टीमेटली धीरे धीरे हर बच्चे ने वो आदत छोड़ दी थी, कोई भी बच्चा कुंजी से नहीं पढ़ता था, सब टेक्स्ट बुक पढ़ के जाते थे और क्वेश्चन करते थे। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ भी बोलो, ये सब चीजें टीयर 3 कॉलेजेस में नहीं होती हैं। फॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पास होना बड़ा आसान है, और बच्चे बहुत दुआएं देते हैं किनको, फोटोस्टेट वालों को, जो जहाँ पे तुम कॉलेज में पढ़ते हो या तो उस कॉलेज के अंदर फोटोस्टेट वाला होगा या कॉलेज के बाहर होगा। मैं भी टीयर 3 कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं भी आप जैसा ही था, मेरा तो ख्याल आपसे भी ज्यादा ही बुरा हाल था। आप लोग कुछ तो पढ़ते हो, हमारा तो 2 बजे दोपहर को एग्जाम होता था, मैं सवेरे 8 बजे हॉस्टल पहुंचता था। मैं तो लोकल था, मतलब रोहतक में हमारा कॉलेज था, तो जो भी कॉलेज का हॉस्टल होता था ना मैं वहां पहुंच जाता था सवेरे 8 बजे। हर एक कमरे में जाके एक एक दो दो घंटे कुछ 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 पढ़ के दोपहर को 2 बजे पेपर दिया, घर आ गया, 70-75 के आसपास नंबर मेरे आ जाया करते थे। मैं भी खुश, सारे बच्चे भी खुश, हाँ चलो ठीक है अभी सब काम ठीक ठाक हो गया। इस तरह से मैंने अपनी बीटेक निकाली है, बट उसका रिजल्ट मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। नहीं पढ़ता था ना मैं, तो मेरे को पता कितनी दिक्कत हुई थी मेरे को चीजों को संभालने में, चीजों को करने में आगे चल के। तो वही मेंटेलिटी देख रहे हो, ये सभी में यही मेंटेलिटी होती थी, लगभग हर बच्चा ऐसे करता था। कुछ बच्चों पे जो पढ़ते थे बाकी सब फिर उन्हीं को मतलब उन्हीं से पढ़ना था एंड सॉन्ग सब रहता था। तो काफी लोग खैर मुझे कहते भी हैं कि सर आप इतना अच्छा कैसे टीच कर पाते हो, इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हो, क्योंकि मेरा खुद नहीं था ना कोई इंटरेस्ट। तो फिर मैं तो इस तरह से करता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट बने अगर पढ़ने में। अगर मैं ऐसे स्टूडेंट, अपने आप को ऐसे स्टूडेंट सोचता हूँ और देखता हूँ कि पुराना जो बीटेक में था भाई, मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कि अगर मैं अपना इंटरेस्ट खुद पैदा कर पा रहा हूँ ना तो ठीक है भाई, मैं ठीक पढ़ाऊंगा, नहीं ठीक पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ा रहा। इस तरीके से मैं चलता हूँ चीजों को। खैर वो बात अलग है, अभी ऑफ द टॉपिक नहीं जाते, जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। हाँ जी, तो फोटोस्टेट वाले आपको बड़े पसंद होंगे, आप उनको भगवान मानते होंगे, हम भी मानते थे है ना। एक दिन 2 दिन पहले जाना है, उसे सारे नोट्स फोटोकॉपी करा लेने हैं, बस वही थोड़े से रट लेने हैं और अपना पेपर पास हो जाना था। वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारी, उन पे जाना बिल्कुल बंद कर दो। पेपर में रीअपेयर आती है ना, रीअपेयर मंजूर कर लो, लेकिन पढ़ो ढंग की किताबों से, जो टेक्स्ट बुक्स आपको मिली हुई होंगी कॉलेज की तरफ से। हमारे को तो बुक बैंक मिला करता था, बुक बैंक में हमारे को सारी किताबें कॉलेज से ही मिला करती थी, उसके कुछ पैसे ले लेते थे शायद, वो 500-1000 रुपए से कुछ लेते थे, उसमें सारी टेक्स्ट बुक्स हमारे को मिल जाती थी। जैसे डिजिटल डिजिटल है तो मॉरिस मैनो हमारे को वहीं से मिल जाया करती थी, मैथमेटिक्स की बीएस ग्रे वाली इतनी मोटी बुक है, महंगी थी, तो हमारे को वहीं लाइब्रेरी से मिल जाया करती थी, सारी बुक्स मिल जाया करती थी, आपको भी मिलती होंगी। तो हमारे तो एज इट इज बंडल आता था, पढ़ा रहता था, और एज इट इज हम दे आते थे सेमेस्टर के बाद, तो खोल के भी नहीं देखता था, नई की नई किताबें पड़ी रहती थी। कोई फोटोशीट वाला था ना उसी के चलता था सारा कुछ। अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरी गलतियों से सीख लो भाई, ये गलतियां मत करो, ठीक है, बिल्कुल मत करो, बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। एटलीस्ट अभी कॉलेज में हो तो थोड़ा सा काम कर लो, इसका फायदा आगे चल के आपको खुद से समझ में आएगा। तो मैं इस चीज में पता है, देखो मैं वही बात कर रहा था आप लोगों से, मैं इस चीज में प्रोड्यूसर का ज्यादा कसूर नहीं लगाऊंगा, साथ साथ कंज्यूमर भी उतने ही वैलिड है, मतलब कसूरवार है। ऑब्वियसली कंटेंट ऐसा कंज्यूम हो रहा है तभी तो ऐसे प्रोड्यूसर्स बैठे हैं जो बना रहे हैं। अगर कंज्यूम होना बंद हो जाएगा तो वो प्रोड्यूस करना बंद नहीं कर देगा क्या? उसको खुद समझ नहीं आ जाएगी कि भाई मेरे इस तरह के, अब मेरे पास बात नहीं बन रही, या इस तरह के स्टूडेंट नहीं आ रहे जो मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ चीजों के, जो चीजें मैं बता रहा हूँ या जो भी बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो अपने आप डीप स्टडी करेगा, फिर अपने आप डीप कंटेंट बनाएगा। उनको मजबूर करो आप लोग काम करने के लिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू,
इतनी रात को ताकत नहीं थी मेरे अंदर वीडियो बनाने की, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया ये सब कमेंट्स देख करके। क्या तरीके हैं, मतलब तुम खुद से सोच के देखो, तुम कुछ करना चाहते हो जिंदगी में कि नहीं चाहते हो? एटलीस्ट अगर मुझे कुछ मानते हो ना, तो आपको अगर समझ है तो एटलीस्ट अपने कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स को साथ अपने समझ दे दो। इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करके तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, नेवर एवर। अगर तुम्हारे को लगता है कि हाँ जी हमारी ये जो क्या बोलूं मैं, अब सर्विसेज बेस्ड कंपनीज होती है उसमें जॉब लग जाएगी तो बहुत कुछ उखाड़ लेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे, क्या करेंगे? ये जो जनता हायर करती है ना कंपनियां, वो तुम्हारे को जनता की तरह ट्रीट करती है, नॉर्मल जनता की तरह। तुम्हारे को कुछ नहीं करने दिया जाएगा वहां पे। अब मैं ज्यादा इतना मुंह खोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कंपनीज के नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर मुझे पता है कल को कोई ना कोई प्रॉब्लम में मैं फंस सकता हूँ। क्योंकि अब जो लेवल है मेरा इस टाइम पे, मेरे को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना? कुछ बोलूंगा उल्टा सीधा तो कोट ना हो जाए कहीं। तो जो काफी सर्विसेज बेस्ड कंपनीज इस तरीके से चलती हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो, वहाँ परफॉर्मेंस वर्फॉर्मेंस कुछ नहीं होती भाई। दो तीन चीजें होती है जिन पैरामीटर्स पे आपकी परफॉर्मेंस जज करी जाती है। एक को बढ़ा देंगे, दूसरे को गिरा देंगे, मतलब आपको सेम लेवल पे रखेंगे चाहे तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो। सरकारी खाता है, सिंपल बात करो तो सरकारी नौकरी टाइप है, बस वही सड़ा हुआ 9-10% का इंक्रीमेंट लगे, 9-10 तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, इतना भी नहीं लगता है, बस नॉर्मल नॉर्मल इंक्रीमेंट चलता रहेगा, सारी उम्र तुम वहीं पे बिताई जाओगे, कुछ नहीं करने को मिलेगा तुम्हारे को, थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा तो इतनी घनघोर पॉलिटिक्स के तुम परेशान हो जाओगे, वहां पे काम ही नहीं करने देंगे, नॉलेज तो बिल्कुल है ही नहीं, क्लरिकल काम करवाते चले जाएंगे, बहुत बुरा हाल है भाई। एक बार जाके देखो कंपनी से, मैं पता लगेगा तुम्हारे को। और एक फैक्ट बताऊं, मैं 2010 बीटेक पास आउट हूँ, मेरे टाइम 3 लाख का पैकेज हुआ करता था जी, तीन तीन कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, ऐसे कंपनीज आती थी। अच्छा, मेरे से जो सीनियर थे, जो मेरे रिलेटिव हैं कुछ जो लगे हुए हैं, मैं 2010 हूँ ना, जो 2004-5 पास आउट थे ना, उनको भी यही मिलता था पैकेज 2000 तक, मेरे को याद है 2000 तक भी यही पैकेज था, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब क्या चल रहा है 2022, अभी भी यही पैकेज है, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, बस ज्यादा ज्यादा यही 4-5, 4-5 के बीच में घूम रहे हो। 22 साल हो गए हैं, 22 साल में कुछ मनी का इन्फ्लेशन समझते थोड़ा बहुत, तो वही पैकेज चलते चले जा रहे हैं, इस बात को समझो तुम। तो कोई सैलरी बड़ी तुम्हारे को लग रहा होगा कि सेम चल रही है, नहीं, बहुत ज्यादा घट चुकी है सैलरी। 2000, सन 2000 में जिसको शायद पता नहीं तुम लोग पैदा भी होते कि नहीं, उस टाइम पे भी 3-4 लाख का पैकेज लगा करता था, और आज भी 3-4 लाख है, क्या उखाड़ लोगे उससे? बाहर जाओगे, रहोगे, घर से पैसे मांगोगे, खर्चा तो तुम्हारा निकलना ही नहीं है, ना के बराबर चांसेस है कि तुम अपना खर्चा निकाल पाओगे ऐसी नौकरी से। थोड़ा सा दिमाग को ओपन अप करो। अगर वो इस टाइप की फालतू की बातें लिख भी रहा है ना, कि मेरा ये सक्सेस स्टोरीज में लिख भी रहे हैं ना कि मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मैंने वहां ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एंड सो ऑन, अरे क्या करोगे सर्विस बेस्ड कंपनी में जाके? तो तुम खुद नहीं उखाड़ सकते वो कंपनी? माइंड को वाइड ओपन अप करो और चीजों को समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाओ सब लोगों के बीच में। मैं इतने टाइम से क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतनी इसलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि बच्चा पढ़ना सीख जाए। बस एक बारी अगर आप लोगों को पढ़ना आ गया ना, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर आप अपने आप से पुश अप हो जाओगे। मतलब एक बार मैंने आपको पुश कर दिया ना, एक बार बस मेरे से एक धक्का लगवा लो बस, अगर आपने धक्का लगवा लिया ना बस, उसके बाद फिर आप अपने आप चलते चले जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बट एक पुश तो ले लो ना मेरे से, पुश इन द सेंस चीजों को एक बार ढंग से क्लियर तो कर लो, डीप में पढ़ तो लो, तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा अपने आप मन बन जाएगा काम करने में। और फ्री ऑफ कॉस्ट चीज कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में एक एक बात चीजें आपको समझा रहा हूँ, तो ले लो, पढ़ लो कुछ, ठीक है? लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। देखो मैं ये सब बातें नहीं बोलता कि आपने फेमस कोट सुने होंगे, पेरेंट्स कहते थे बेटा 10th कर ले फिर ऐश ही ऐश है, 12th कर ले बेटा ऐश ही ऐश है, IIT कर ले बेटा ऐश ऐश ही ऐश है, और वर्कलोड बढ़ता चला जाता है ना। तो मैं इन सब बातों को ऐसे नहीं बोलता, मैं इस तरीके से बोलता हूँ, IIT पहुंच गए ना, यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है? रिवर के अदर साइड पे होगे, तो मतलब आपको पीछे नहीं आना पड़ेगा, समझ रहे हो? अदर साइड इन द सेंस मतलब
काफी सेफ जोन में हो आप। बाकी जनता तो बहुत धक्के खा रही है, आप काफी हद तक अच्छे हो चुके हो। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में 14-15 लाख का पैकेज कहीं नहीं है, बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो बोल रहा हूँ, बिल्कुल वर्स्ट। कुछ नहीं करा, कुछ भी ढंग से मेहनत नहीं करते थे, तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छी जॉब आप इतनी तो मिली मिल जाएगी। तो इफ यू वॉन्ट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। भाई शॉर्टकट मत देखो, इट्स माई काइंड सजेशन टू यू एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू नॉट सीक फॉर शॉर्टकट्स, ये सिंपली आपको बर्बाद करेंगे। सिंपली पहले एक बार बर्बाद हो चुके हो ना, टीएससी कॉलेज में आ चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, दोबारा अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। एक चांस मिल रहा है अच्छा सेटल होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, तो वो कर लो, चुपचाप मेहनत कर लो, अच्छी रैंक लाओ, गेट में मेहनत करो, आईआईटी पहुंचो। आईआईटी नहीं भी पहुंचते, एनआईटी भी पहुंच गए, IIIT तक भी पहुंच गए, 2000 तक रैंक ले आओ, 2500 तक रैंक ले आओ, तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट टीयर वन की जो कैटेगरी में है वो कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, वहां पहुंचोगे ना बहुत कुछ कर पाओगे। एक जो एलुमनी बेस मिलता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम लोगे, कहीं ना कहीं IIT से इधर उधर से पढ़े हुए आपको मिलेंगे। तो आपको मतलब कंपनीज को स्विच करना है, कुछ भी है, मतलब बहुत फायदे होंगे, बिलीव मी। एक बार आप पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा, अपॉर्चुनिटीज की दुकान खुल जाएगी आप लोगों के आगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। द ओनली थिंग इज पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करो और शॉर्टकट्स के पीछे बिल्कुल मत भागो। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, अगर कोई शॉर्टकट आपको कोई टीचर आपको बता भी रहा है ना, प्लीज एक बार उसे ये पूछ लो ऐसा क्यों चल रहा है, व्हाई इट इज रनिंग। आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे, मैं हर एक वीडियो में मैथमेटिकल टच जरूर देता हूँ और प्रॉपरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ये शॉर्टकट बनाया है और ये क्यों आया है। हर एक बात का रीजन मैं आपके सामने रखता हूँ, रादर पहले प्रॉपर इंट्यूटिव स्टाइल में चीज समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और उसके बाद उसका शॉर्टकट एंड में आपको बना करके देता हूँ। इस तरीके से अगर इतनी डीप में चीजों को आप स्टडी करोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ओके चलो ठीक है, अभी इतनी बात करनी थी मुझे, ज्यादा लेक्चर देना भी ठीक नहीं रहेगा, काफी देर हो गया है ना, 17-18 मिनट हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थोड़ा सा धीरे धीरे मैं ये डोज आप लोगों को देता रहूंगा, है ना, कहीं से और कुछ पता लगेगा तो मैं आप लोगों को फिर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो भी उल्टे पुल्टे काम आप लोग करते रहते हो, अब ये मेरे को बड़ा उल्टा काम लगा भाई, 16 आवर्स की, भाई लोगों 16 आवर्स की प्लेलिस्ट है। मैं रियली आई एम रियली वेरी वेरी शॉक्ड है, जब से मैंने ये कमेंट पढ़ा और लोगों की लाइक्स देखी है, आई एम रियली वेरी वेरी शॉक्ड। मतलब क्या कर रहे हो यार आप लोग जिंदगी में, यही मतलब चिल्लड़ कमाने हैं क्या सारी उम्र? चिल्लड़ों के बारे में सोचोगे ना, चिल्लड़ ही कमाओगे। मैं एक सिंपल बात बोलूंगा, चिल्लड़ हैं सारे, 3 लाख 4 लाख का पैकेज लेकर के क्या करोगे? कहाँ तक अपने आप को तुम सोचते हो? एक अपनी विजन तो सेट करो ना पहले, कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मैं यहाँ हूँ, मेरे को इतने सालों में यहाँ तक आना है। कुछ नहीं सोचा समझा, कुछ नहीं किया, बस ऐसे शुरू हो रखे हो। जितना ज्यादा मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितना ज्यादा आप चीजों को लिखोगे ना, उतना इजी रहेगा आपके लिए आगे चीजों को समझना और करना। मतलब इन द सेंस, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, कॉपी पेन पे चीजों को लिखा करो। दिमाग से कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता कि सोचते 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 हो जाएगा, नहीं, सोच सोच के कितना कर लोगे का। कॉपी पेन, अब नोट्स आप मेरे लिखते हो, आप सुनते हो वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद नोट्स बनाते हो ना, क्यों क्यों लिखते हो? ताकि माइंड में चीजें फिट हो जाए और कल को हम रिवाइज भी कर सकें। तो एटलीस्ट अपना एम भी लिखो ना, कागज पेन पे लिख के रखो उसको, उसको रिवाइज करना, करते रहना है कि हाँ जी, मैं इतने सालों में यहाँ तक, 5 साल में यहाँ तक जाना चाहता हूँ, 10 साल में यहाँ तक जाना चाहता हूँ। जो भी आपका एम है, जो भी XYZ आप चाहते हो, उसको एटलीस्ट लिख के रखो और सामने अपने चिपका के रखो जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये होती है मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि कहीं बाहर से आपको वीडियोस देख रहे हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, कहीं और से कुछ देख रहे हो और हाँ मोटिवेट हो रहे हो, हाँ जी चलो आज काम कर लेते हैं, 2 दिन में जोश ठंडा हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन काम नहीं होगा तुमसे। दो चीजें होती है देखो, मैं बताता हूँ, एक तो जो लिखी हुई बातें होती है ना वो दिमाग में छपी रहती है, एटलीस्ट लिख के रखो चीजों को कि मेरे को करना क्यों है। दूसरा,
अपने घर की कंडीशन को देखो। एक सिंपल बात बोलूंगा, जो इंसान अपने घर के हालात को देख करके मोटिवेट नहीं होता ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकेगा। बाहर से क्या कर लोगे तुम, अपने घर के हालात को देखो ना, मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपने देखो फादर साहब क्या कर रहे हैं, तुम्हारी कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी कितनी मेहनत कर रही है, तुम्हारे बड़े भाई बहन होंगे जो भी होगा घर में, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एक बार देखो तो पता लगेगा तुम्हारे तुम लोगों को। अगर घर के हालात से भी तुम्हारे को समझ नहीं पड़ रही तो कहीं से कुछ आने नहीं वाला, फिर तो भूल जाओ। ठीक है, फिर तो चाहे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखो, कहीं से कुछ भी पढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ फ्रॉम द कंडीशन ऑफ योर फैमिली। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ फ्रॉम द कंडीशन ऑफ योर फैमिली, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, चलो, मैं इतना बोलना नहीं चाह रहा था, बट वही बात है, कुछ कुछ आ रहा है मन में, स्क्रिप्टेड नहीं है, जो सच सच बताऊं, जो मेरे मन से निकल रहा है, जो भी दिल से निकल रहा है। आई एम रियली वेरी डिस्टर्ब, सच बताऊं मैं इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हूँ, इससे जो मेरे मन में आ रहा है मैं सब बोलते चला जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। गांठ बांध लो भाई चीजों की, गांठ बांध लो, अब टाइम बहुत कम है। डेट शीट आते ना, इसे डेट शीट आ चुकी है आप लोगों की, पेपर आ गया नजदीक, जितना जोर है उतना जोर लगा लो। ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा मैं, एक आध दो तीन दिन में जैसे मोटिवेशनल शायरी बनाता रहता हूँ मैं, आप लोगों को देता रहूंगा, उससे आप लोगों को ऑब्वियसली मोटिवेशन बहुत मिलेगी, बट एटलीस्ट चीजों को लिख के रखो। लिखने से थॉट क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है, बिना लिखे नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस से सारा कुछ होगा भाई, डीप स्टडी करने की अगर आपके अंदर इच्छा पैदा हो गई है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी मेरे को फायदा हो रहा है, बाकी को भी बहुत फायदा होगा भाई, प्लीज एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाओ। ओके, मुझे पता है, देखो होता क्या है ना, टीयर थ्री कॉलेजेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो टीचर्स होते हैं वो ढंग से पढ़ाते नहीं है, तो जिस बच्चे का पढ़ने का मन भी होगा ना, वो भी अपना मन मार देता है, कहता है क्या है यार, क्या पढ़ा तो नहीं, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, क्या करें। और मोर ओवर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरमेंट, वो भी महा बकवास, कोई बच्चा भी पढ़ के राजी नहीं, जब स्टूडेंट्स पढ़ के राजी नहीं, टीचर पढ़ा के राजी नहीं, तो फिर करना क्या है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीयर थ्री कॉलेज की, एनवायरमेंट, द वर्ड इज एनवायरमेंट बहुत खराब है। कोई तो पढ़ना चाह भी रहा होगा, उसको भी सारे उठा के भाग जाएंगे, चल छोड़ना, क्या इंसान की औलाद बना फिर रहा है, छोड़ पर है, क्या करेगा पढ़ के, हम भी तो घूम रहे हैं, तू भी घूम, मजे कर, ये वो ऐसे। तो ये सब बातें बहुत हमारे कॉलेज में चलती थी, मुझे पता है। इन सब चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो तो एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ चैनल, उनको समझाओ कि हाँ जी डीप में स्टडी करेंगे तो ही कुछ बात बन पाएंगे। तो एक बार मैं, मेरे को पता है भाई, है ना, कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं होता, कड़ी बात बोल रहा हूँ, स्टूडेंट बुरा नहीं होता, टीचर बुरा होता। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के दिमाग में इंटरेस्ट पैदा करे लेकर के चीजों को। मैं क्यों कह पा रहा हूँ पता है, अब मैं बहुत ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, टाइम जरूर लग रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक ऑनेस्ट स्पीच समझ लेना मेरी, जो मैंने बिल्कुल अपने दिल से, खुले दिल से आप लोगों के साथ आज मैं पूरी बात कर रहा हूँ। ये सब मेरे को क्यों समझ में आया पता है, मैं नहीं पढ़ता था बिल्कुल स्कूल में, बिल्कुल भी नहीं, बहुत तंग किया मैंने अपने पेरेंट्स को। हमारे टाइम पे ट्यूशन पे जाना गाली होती थी, आज की डेट में तो फैशन बन गया ना, हमारे टाइम पे गाली होती थी, मेरे से कोई स्कूल में बात नहीं करता था कि ये तो ट्यूशन पे जाता है बच्चा ना लायक है, ये हाल होते थे, छुप छुप के ट्यूशन पे जाते थे बच्चे, मैं भी उनमें से एक था, लेकिन कहीं नहीं टिका मैं, कहीं नहीं पढ़ा, बहुत जगह जाता था, बहुत ट्यूशन मैंने बदली, एंड ऑफ द डे एक टीचर मेरे को ऐसी मिली थी जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, अप्रिशिएट किया मेरे को हर बात पे, मतलब चला दी उन्होंने मेरे को ना, मतलब सिंपल बात बोलूँ तो, मतलब हैंड होल्डिंग करी और उन्होंने मेरे को बस उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया बस। उसके बाद से मैं पीछे मुड़के ने देखा, मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट डेवलप हो गया था पढ़ाई में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे को ऐसी एक टीचर मिली तो, और एकदम मैं बदल गया, तो क्या मैं, मतलब पहले मेरा नहीं डेवलप हो रहा था ना इंटरेस्ट,
जिस तरीके से वो टीचर मेरे को पढ़ाती थी बिल्कुल वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ, एकदम इंट्यूशन, एकदम एप्रिसिएशन के साथ चीजों को पढ़ाना करना सब हैंड्स ऑफ। इन मामलों में मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं लाइफ में जिन्होंने मेरे को उठा दिया एकदम ऊपर। तो बस मैं वही बता रहा था आप लोगों को कि है ना, तो टीचर्स का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट को ऊपर उठाने में या नीचे गिराने में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट कोई बुरा नहीं है भाई, सब चाहते हैं। तुम्हारे को नहीं पता है क्या, पढ़े लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कुछ बन जाएंगे, अच्छे कमाए खाएंगे, जिंदगी बन जाएगी, सबको पता है बेसिक बातें हैं। फिर क्यों नहीं पढ़ता कोई, मन नहीं करता ना, तो ढंग का टीचर मिले पढ़ाए तभी तो बात बने। ओके, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अवेयरनेस जितनी ज्यादा आएगी ना एक माहौल बन जाएगा। मैं रेवोल्यूशन देखो, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ सकती है इन सब चीजों से, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन। क्योंकि तो जिस तरीके का कंटेंट मैंने डिलीवर किया है, जिस तरीके से मैं चीजों को डेवलप करके आपको दे रहा हूँ, सारी किताबें छान लो कहीं से पढ़ लो, जिस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, मेरे को कोई किताब ला के सामने दे दो कि हाँ जी सर ये है, नहीं मिलेगी कोई। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैंने टीच किया, इतने सालों से मैंने देखा है चीजों को, समझा है। और मैं ऐसे भी नहीं, जो फेमस टीचर लगा ना मैंने उनसे भी चीजें देखी है, उनके भी कंटेंट फॉलो किया है। एनपीटीएल का लगा कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, ये निकाल लिया, इस किताब का ये बात अच्छी है, चलो यहाँ से ये निकाल ली। कोई तो बहुत फेमस टीचर किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है, उसने ये चीज बहुत अच्छी पढ़ा रखी है, मैंने वहां से पढ़ ली। समझ रहे हो, मतलब एक पूरा मतलब फुल पैकेज मैंने बना रखा है डायमंड कंटेंट का एकदम। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता, हर एक चीज को लेकर के, हर एक बात को सोच करके बना रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि अवेयरनेस बहुत फैलाओ। जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाओगे ना उससे उतना ज्यादा ही सब लोगों का फायदा होगा। ये मत सोचना कि मेरा नुकसान हो जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका क्यों नुकसान होगा, जब आपके साथ सारे बैठ के काम करेंगे तो आप तो साथ साथ और ऊपर उठोगे ना भाई। आपको आपके जैसे लोग नहीं चाहिए जिनके जिनसे आप लोग बात कर सके, अपने डाउट क्लियर कर सके, एक अपना ग्रुप बना करके काम कर सके, वो ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक पढ़ाई का माहौल चाह रहा हूँ बस, जो बिल्कुल बिल्कुल गायब हो चुका है Tier 3 colleges में से। एक बार माहौल सेट हो गया ना, सबका पढ़ने में मन लगने लग गया ना, बस उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक रेवोल्यूशन आ जाएगी बिल्कुल। मेरी विजन वहां तक है। और कई लोग मुझे कहते हैं कि सर पढ़ाना बंद मत कर देना, चैनल अपना सेल कर दोगे किसी को, वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे। मेरी विजन बहुत आगे तक है भाई, ये सब फालतू की बातें हैं। अब कल परसों भी एक ईमेल आया हुआ था मेरे पास, वो कह रहे हैं कि सर वी हैव इंटरेस्ट इन योर चैनल एंड वी वॉन्ट टू टेक ओवर इट एंड वी वॉन्ट पोजेशन ओवर इट। पता नहीं क्या क्या उन्होंने लाइन लिखी थी, मेरे को तो रियली याद भी नहीं है। इंटरेस्ट है, पोजेशन प्रॉपर्टी है क्या, ये है किसी की प्रॉपर्टी है ये, कि इंटरेस्ट आ गया है इस पे पोजेशन चाहते हैं, ये है वो है। पता नहीं क्या लोग सोचते हैं, क्या करते हैं। बहुत इवेंट्स आते हैं मेरे को दिन में भाई, बहुत, जितने भी ये आप गिने चुने, आप जो बड़े बड़े नाम सुनते होंगे सबके ही मिला रखे है। ठीक है, तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि कुछ पैसे के लिए इतनी बड़ी विजन छोड़ दूंगा मैं अपने, नहीं। ठीक है चलो, ठीक है ज्यादा नहीं करते हैं बातें, मैं अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वही बात है ना, अंदर से पूरा भरा पड़ा हूँ मैं आज लोगों के ये बिहेवियर देख, लोगों के क्या सीरियसली बोल तो स्टूडेंट्स के ये बिहेवियर देख करके, ये प्लेलिस्ट है इतनी छोटी सी है, इसको कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होगा। सिंपल टिपिकल मिडिल क्लास बन के रह जाओगे, हर चीज के बारे में पहले सोचोगे कि इसको खरीदू ना खरीदू, बच्चा कुछ मांगेगा उसको लेके देना नहीं देना, हर चीज में तुम सोचते रह जाओगे 2400 घंटे, पैसे के बारे में सोचोगे, पैसे होंगे नहीं तो करोगे क्या। इस तरह से जिंदगी मत जियो भाई, अपने मैं सच बता रहा हूँ। कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, स्कूल में जाएंगे, वो कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे ना भाई, वो इतना कुछ ला रहा है, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं, पापा आप क्या करो जिंदगी में, आपने मतलब उनको पैसे नहीं देते, ये बोल देते हैं आजकल बच्चे भाई। थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लो,
समझ जाओ, ठीक है? चलो बस, फिर कभी और ऑनेस्ट टॉक का वीडियो बनाएंगे, उसमें और बातें करेंगे। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बहुत देर हो गई है। ठीक है, आप भी सो, मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट टू एवरीबॉडी। 11:30 हो गया, ठीक है? चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। चलो ठीक है, लास्ट में बस बोल देता हूँ, काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, अवेयरनेस फैलाओ, जितनी फैलाओगे उतना फायदा होगा। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो मुझे, यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। डोनेशन का फायदा सिर्फ ये है, मेरे को इतना पैसे से लगाव नहीं है, आप लोग मेरे को अब तक तो जान चुके होंगे, पुराने स्टूडेंट्स ने तो सब जानते ही हैं, ठीक है? द ओनली थिंग इज मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, है ना? मेरे को फाइनेंसिस पे अपनी एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी कि हाँ जी मेरे को ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, सब कुछ आराम से मेरा चलता रहेगा। तो मैं काफी हद तक अपना पूरा फोकस यूट्यूब पे दे सकूंगा और जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट करा पाऊंगा, ठीक है? ऑफर द बेस्ट, शायद अगर कल कुछ ठीक लगा मुझे तो मैं कल वीडियोज बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एक्चुअली टेक्निकल वीडियोज बनाने में बहुत जान लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, अब तो मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक्निकल वीडियो में लिखना है, बोलना है और पूरा एक मतलब कंसंट्रेशन पूरी पीक पे लानी पड़ती है अपनी, ऐसे नहीं बनता वीडियो, ठीक है? देखता हूँ कल जितना कर पाता हूँ मैं करूँ, ठीक? ओके, थैंक यू सो मच, बाय।